जीजा 15,000 रुपया कमाओ तो का कहो जा जीजा। हाँ जोन हिसाब से फसाऊ ने हमारे घर आओ वो तो हम जाना तो हमारी आत्मा जाना। चक्कर से पेट भी बड़ा सजा रहा और मर गए। क्या करें यार कौन करें हेलो हेलो। हाँ जीजा जी तुम कहाँ हो कब से नहीं आ 5 महीना हो गए तुम कुछ सोचे के नहीं है। अरे अब आ देखो का करने का नहीं करने अब गोए के लड्डू अड्डू की तैयारी कर लो अब कहा मरे जा रहे कल मुँह ना दिखावे के लायक नहीं पता हूँ फिर दिन पे दिन निकल रहा बाहर। अच्छा अच्छा कहेगी ये सब कैसे होगा उसे ऐसे कैसे होगा का तुम्हें पता नहीं है कि कैसे होगा। हमने तो कछु नहीं कहो पता है इतने चक्कर आ रहे इतने उल्टी भी आ रही है अब हम क्या करें बताओ। और देखो और हम आ नहीं रहे जीजा हम आज पता है इतने इतने जोर से भर रहा हूँ मैं पेट इतने जोर से भर रहा हूँ तुम्हें हम क्या बताएं कितने जोर से भर रहा हूँ। देखो हम और आ नहीं रहे जल्दी आओ आज है सारा जी तुम कैसी बातें कर रही हो। अरे आजे 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 तो तुम चिंता क्या कहती चिंता कैसी बात ही है तो चिंता ना करें फिर क्या करें बताओ। हाँ देखो कल लो लो कल के पैसे लो लो आ रहा है कल पैसा लो नहीं आज ही आ जाओ। देखो हम तुम्हें अच्छे से कह रहे हैं हमें आदमी है पता पड़ जाए तो बुआ में माता है। हाओ 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 तो रखे हाओ रखो तो रख दो फोन और रख दो कल का 5 महीना कैसे 5 महीना मैं जब आई तो कहता तो कि मैंने कछु कहो नहीं है 5 महीना हो गया 5 महीना कैसे 5 महीना और जो काटा मूला सब फैला है कितने जो भाव धाव सी कसेड़ी सी कितने जो नहीं दिखा रहा हो क्या मुंह आंखें या फूटी दिखाई नहीं रहा कुछ। आओ मुंह नहीं दिखा रहा हो जब फोन पे बात हम सब पाछे पाछे से लोग के सुनते तुमने कहा सुन रही हो मैंने ये तो कहा कह रहा हूँ जीजा जी 5 महीना हो गए कबे आ रहे तो अब बिला दिन से आ नहीं है इसे कह रही तुम्हारे जीजा सो हमारे जीजा नहीं और तुम कहा कह रहे हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही तो जो काका उसके 5 महीना हो गए जो काका सुन ले वैसे तो जी नहीं है साज हम तो सुन ले मैंने कछु कहो नहीं है सुन ले दे बढ़िया लगा दे अपने जीजा हाँ फोन लगा तुम आप खुद जीजा लो लगा लो जो हम मोबाइल ले लगावे तो लगावे। हेलो जीजा जू मैं नहीं लगा रही ना मैं बताऊ तू हाँ बुलाते थे गया बोला ठीक है चिल्लाओ ना मूड खराब है चिल्ला हाँ तो तेने धर्म को काम कह दो चिल्लावे ना। मैंने कौन सा पाप करूँ कौन सो पाप अब गांव में हल्ला नो कीर्तन बना कौन सो पाप करो ठीक है मैं लगा रही लगा तो झल्ली उठा ही नहीं रहे बता चे मुझ उठा नहीं रहे कौन आई मैं नंबर को ये देखा नहीं ऊपर है यार तो बहुत घनो घनो आओ तो अब 5 महीना सुनो ही आओ जब भाई तो लग गया है क्या अभी अच्छा कहा तो दादा घंटी जाए तो घंटी जा रही तो उठा कब है रहेगी बात कह उठ गो। हाँ हेलो 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 सर अज्जू आ जाओ जीजा जी कहा तुम हमें मरवा दे रहे एकदम से। अरे आए देखो कल लो लो आउत हम कल नहीं तो आज ही आ जाओ ठीक है आज ही आउत हम देखो बना रहा व्यवस्था। हाँ मरी हेलो 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 सारे साहब जा कही के तनक घर पधाते तनक आ ही रहे हम कह कछु दिक्कत है का कछु दिक्कत नहीं है तो हम रसगुल्ला दे सुबह खा जाते थे ना हम अब आ जाओ एक घंटा में तनक काम है तो तहसील तक चल ले तो अच्छा हाँ तो झल लिया जाओ हमारे लोग गाड़ी नहीं है हाँ मैं आउट हूँ साहब आउट हूँ हम तो आउट हाँ
ठीक है तो जी जाजू आओ भाई ठीक है तो माँ ये ऐसी तैसी कह जी जाजू तो माँ भाई तो जाओ ते चलिए ना अभी ते चल अब चलो कहाँ चिल्ला रहे ते ना है अभी ते तुम मारो हम ना मारे वो हम मारने हमें तो हमें मारो हम नहीं जा रहे ते भी ते मार रही क्या नहीं चल आराम से लग जे लग जे अरे यार बढ़िया फट बैठ गई यार बढ़िया फट बैठ गई मुँह का पता है तो कि ससुराल जैसे जुआ होने अब बताओ दे तो करती इतने जाओ इतने भाग जाओ इतने भाग जाओ जी जा रही इतने भाग जाओ बताओ मैं तुम मैं यार क्या बताऊँ जाने तो यही है चलो अपने दोस्त हाँ संग लो वालेंदु का कर भाई तुम मैं जा कही हाँ कहो अरे यार तुम कछु ना पूछो आज ते मौत दोस्त मैं उके नाते पर तू बताओ कि ते मुझे सराज हती थी सुबह में गौ तो तैं ससुराल में अच्छा सुते होते हतु ने हो तो सब कछु ना पूछो कि मुझे पाए भी कहूँ जगह नहीं मिलती सुबह उके लगा पाए करो एक भी सुबह तो झूठी बताऊँ लगी यार का वो झूठी बताऊँ लगी कत के जो गोए की लड़ू कवे लो कब लो खवाऊ ने और चार पाँच महीना हो गए हैं अच्छा अब बता लो तो चलो आते हैं चल रहे हैं ससुराल वाले ये सो गो सो ओ का यार अब बताओ यार तो चल दो फिर चला चलो तब तुम अपनी गाड़ी ले लो आए अब गाड़ी जाए गाटी की चल दो आओ चलो तब फिर चलो चप्पल पहन ले दे मुंह है हां पहन लो पहन लो आओ चल तो मैं घर पहन दे हां हां चलो 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 तो फोन तो राम दी लड्डा है ही लगा तो कहते हैं डराने और चलो तो हम तो है लगातार बता दो बिना फालतू को दे दो इतनी लोग मैंने इतनी लोग कह दी तहसील में काम है तो हमारे यहाँ जी जा लेकिन तो जावे फिर देखा जी जा के कुआ अरे कहाँ से खलस करने लगा दुनिया भर की पूरा मोहल्ला में सुने काके हैं भी अरे बे आ तो जावे फिर बताओ था मुने तरक मैं अपने पैसे जो उठा ले बे साहिब साहब राम राम पहुँचे हाँ राम 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 साहब राम राम जो काको जो दोस्त हम हो कितने बैठते जी जा कितने हाँ इतने नीचे बैठो जब चाहे उस खाट पे छाऊ लगाते हैं अभी धाती में बैठा अरे इतना ही बैठ जाओ बैठ जा मालूम जा कहीं साराजू फिर देखो तो मार हो चला उन्हें मुंह बिल्कुल शांत हाँ सो मुंह से का गलती है भाई देखो तो तुमने वैसे ही बोला मुंह फोन लगा के सो अबे का कह रहा है तुम पे तो हाँ मैंने तो कही गया है इतने फोन लगा तो अरे देसी बुला तो तुम्हें आ नहीं है चार पांच महीना से मन नहीं लगा तो जा कही तनक चलो तुम्हारी थाने में रिपोर्ट होने थी भाई सो का कह दो हमने का पता हमें नहीं है पता का कह दो अब मैंने का कह दो भाई भैया जो तो बताओ तना मुंह तने कछु नहीं थाने में रिपोर्ट है जे होने ए थाने में कहां रिपोर्ट होने का हो गया सब थाने में होने जागी मैंने तो नहीं कहूँ कछु नहीं भगवान सागले मैं कुछ यार की को कॉल खा ले राम दी ले बताओ ऐसे बिना फालतू का सब कहे तुम आई बता क्यों कछु नहीं था समझा लो कॉल लगे घोस पसाम जा की है सब वैसे कौन है मैं नहीं हमें सुनने था सामने कहो हाँ हाँ यार देखो तो तुम हमारे पाँव पैद के हम तुम्हारे पाँव पहले भैया हमसे कोनो गलती नहीं भाई कौन जा गड़ा इसी भाई जा की कीजा भाई तुम्हारी घर से अब जो जो कछु है सो भैया तो मैं जानो मैं का कह सक जो बताओ पहले इतने आंखे फोके तो देख लो हमें कुआ कछु नहीं सुन पता का देखा है तुम पागल हो गए कैसे पागल है
जाकी साथ जो झूठ ही ना बोलेगा। देखो मैंने कहा कहो सारा जो अब तुम्हें कौन पता नहीं है। देखो तो पहले तुम्हें यहाँ आती जी राजू जब लाभी देखो तो मैं अरे ना बनाओ जी जाजू बिल्कुल असली असली बताओ सामने राम जी। देखो असली असली बता है पठराई में गए थे सोते हतु न्योतो हतु तो सो पूरी रात कड़ गई थी। अब होते हते बहुत ज्यादा रिश्तेदार आए थे सो मैं राम जी तना 2 मिनट की लाने की खाट पे पड़ रहा हूँ तू सो आज ये मुँह लगा रही झूठो तुम कौन जानत नहीं है। अरे 2 मिनट में तो दिखान लगो। अरे यार साहेजू आ तुम तो वैसे ही कह ला बिना फालतू के साहेजू देखो तो तुम अपने तुम कछु समझाउते नहीं है इन्हें। मैं समझा रहे हूँ जा कही है सो तने आराम से बता दो जो कछु हो ना को सुन ले तो हम आई तो बिल्कुल लेते ऐसे कटे। अरे तो भैया तुम्हारी है भाई तुमने जो कछु कहो हो गए भैया अपन कहा जाने तुम कौन जाना था। सही बात है तुम्हें ना कहो जो तुम्हें नहीं गए पता होगा तुम इनके गाँव की हो हम तो उतने गए नहीं है। अरे तो हम तो जानते ऐसे काम नहीं जो कहे ठीक है हम तो घर कैसे जाना बहुत सही आदमी हुए मैंने तो पता नहीं है बता दो हमें वैसे 1 साल ब्याह हो भाव। अरे यार तो तुम कौन जानत नहीं आया देखो तो तुम तो बिना फालतू को लगा रहे मुझे तो जैसे मैं तो सास को अबे तुम्हें लगा तो ये लाभी मैंने अब कछु ना पूछ हुआ है जो हमें वो है कछु नहीं सुनने हैं जो गांव में पता चल जाए या सोबे लो तो बाप वहाँ नहीं गई सो पता तुम बता दो तो है। अरे ब्याह होगा आप कहाँ पता चल ले कैसो अब तुम्हारा गुज्जा सब जो है सो हम हुआ हुआ कौन 1 साल में इतनी झल्ली नहीं चाहे तू। अब जा क्या झल्ली नहीं चाहे तो कहा भगवान ने झल्ली दे रहा तो कह समझे ना बात के लाने बिना फालतू को ना बिदवाए गया तुम भी तो हमें बिना फालतू को बिदवा रहे। अब जो है 1 साल भाई आ ब्याह सोचो जीजा जी आए तुम्हें तो जानत तो सारा जू तुम्हें ऐसी कड़ी बता लो यार का हमने कहा करू तुमसे हम कछु कह रहे। अरे यार सास को मुई गलती हो गई अब कछु ना पूछो तना सी अब कछु ना पूछो जा कही के दे अब जैसे जा पैसा है नहीं है वैसे घर अपने पैसा तो भाजी जाजू तो ऐसा होने अब के फे हम तो गाँव की हटी है थे कटवा देवो। अरे यार हमारी तो कभी समझ में नहीं आता कछु दोस्त बढ़ा लेंगे ना बैठो तुम्हारा विश्वास नहीं इतना ही बैठो तू। अरे भैया तुम बताओ सही बिना फालतू बताओ मैं ने के पुणे से ससुराल में आउते हैं ने के पुणे से मतलब नहीं गाँव के टेबे के हम अपने 2 ठज्जा दोस्त टेबे पक्के दोस्त अब आ रहा है ओ बैठो का काम पाएगा अब काम का जेई तनक जेई की घर की परेशानियां हो गई राम राम मुझे तो उनसे कहो राम राम कर रहा था उनसे ना कहो रिश्तेदार गलती क्या कर रहा है चढ़ते रिश्तेदार है भी चढ़ते मरते नहीं जाना तब नहीं उनकी कौन बेलू क्या कह ये कह अरे इनने वो ने होते के लाने लो आ गए और रात भर पई रहे 2 मिनट बताया अपने मुंह से सारा पेट भाग को
सुबह पंच आते निपटाऊने थी अरे यार झूठ तो ना बोलो आए साई साहब आए कुनेस हुआ है सुजा कहीं अब कैसो का करने अब बेकत्ते बुला लो तो हम बता देखो रिश्तेदार तुम्हें बता नाम दी ले जे देखो लड़ज जा सागले में तो लाभ ही नहीं किया अब भाई तो ना देख के पूरे में लड़ज जी को कॉल खा भी है मेलो अरे साई साहब तेरे गम में तो खा जाओ मैं तुम्हें बता रिश्तेदार तुम्हें बता देखो कैसी बात है कि तेना जो जो नहीं का ना अरे पठरा उत गए थे निमंत्रण के लाने सो अब देखियो रिश्तेदार राम लीले जो पूरा घर बिल्कुल बुख है तो निमंत्रण में आते बहुत रिश्तेदार आए थे सो अब मैं तो राम लीले चार एक बजे गए थे चार एक बजे वो बस मुझे नींद लगी थी सो मैं तो आ सतना इनकी जो सारा जो पई थी इनकी खाट पर तना पाए फैला है अब बताओ जी झूठ लगाऊ लगे दो मिनट राम जी दो ही मिनट भाई हुई है ज्यादा ज्यादा 10 मिनट भाई हुई है अब तो मैं खुद पता है सुनो हमारे ब्याह है 1 साल भाई संगे बारात में भी गए थे तो फिर जो इतनी जल्दी हो सका तुम बताओ अब जो हुआ तो होगा तो उको कम से कम हम लोग ना पैसा पैसे गरीब है जितना ऐसे ही है जो अब इनने जो खट काम का सो नहीं है भुगत नहीं आगे हम भुगते देखो ये रिश्तेदार हम तुम्हारा दोस्त हैं तो जब बात तही रहन दो आंग ना बड़ा बात वही तो हम गांव में बढ़ावो नहीं चाहते इसे तो तुम्हें फोन लगाओ इतनी की बात तही रहन दो का कहो जाते तुम तज्जा हो मैं कह के ना तज्जा है जो जो जे फैसला कह दे से पर तुम कन्नी में आते हम दिले रिश्तेदार मोई कोनो गलती नहीं है मोई कोनो गलती नहीं है गलती हो जे जवाई तो मानी है तुम्हें पूरी इनकी क्या वो सुई का है के नहीं सुई का है तो है राम दी अब तुम जो कछु भी किया सो मोह सुई का है राम दी लेकिन अब तुम्हें लगा तो ये लाभी मेरे जे 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 दिन महाज है राम दी मैंने कछु नहीं कहो राम दी ले तो कछु नहीं कहो तो बे तो कह रहा है अरे बे तो अब मैं कहा बताऊ में जा कहीं आज में हमने झूठ बोलो है तुम्हारे संग इतने दिन रहेगा जाके मैं तो कैद खात हूँ 10-15 हजार को महीना में तो हमें तो लगा ने बुरा और लगा तुम्हें बता क्या को बुरा लगा तुम्हारे पाँव जिंदगी से तो पढ़ रहे आज ही भाई ना पाए कहाने जिद में अरे अब कछु ना पूछो कह दो लो जो कछु फैसला करो जा सुनो जे 3-4 दिन में यही खिलाने घने घने अब 5 महीना से तो ही दिखाने नहीं आए नहीं आए नहीं आए अरे भैया मैं जब यही खिलाने आऊ तो सारा गति सुझ लगी अरे भैया तुम्हें बता के कहे के जब ना के न्योते होते रहते सुने तो कहती मैंने की अब ससुराई में कहना भाग जाओ ना माँ कहे जाओ पूरे न्योते कहे मिलाते उनके घर हते न्योते सो मैया मानने तो जी जा रही तुम्हें अरे तब मोह कहे के मोह आ जा नहीं रिश्तेदार ई के लाने नहीं हो गलत काम कहे अरे तो संगे देखा मैं मुठ में बैठ गई ना होती है कि नहीं ऊके लाने होते हैं सुबह 12 बजे रात के उनको एक्सीडेंट हो जाए हम होते पहुंच जाए अच्छा ओका देखो तो तुम्हारा जासूस गिर गया हम नहीं सोचते हो आज की बात तो तुम्हारी हम कहते ससुराल में कहा लौट के ना आज की बात हो गई हमारी जितनी ससुराल थी जा कहीं तुम फैसला का जो कछु होवे उन्हें तो बात है ऐसी मान नहीं है 17 गड़ा हाँ बच्चा तुम कह दो लो जो कछु फैसला तो मैं करने से कह दो अब राम दी अब हमारे देखो ये ससुराल पे विश्वास उठ गो अब आज की बात ना आए ससुराल में आज की बात भगवान सागले आज की बात मैं कद के आ जाऊ थे राम दी रिश्तेदार तुम कह दो तुम्हें जो कछु फैसला करने कह दो तुम जल्दी तो कहो फैसला होने तो यहाँ सो बकाती रहो जल्दी करो मैं छक गई पाया जाए गांव में बदनाम तुम्हें होना उनकी होनी रिश्तेदार की बात अब जो तो है भैया आप जैसे अब जो बताओ ले ऐसे छिए ऐसे सब कछु होने लगते तो भैया वाले तो कहने का को का तुम कहां लो आ गए थे सो कहां मान गए कहां लो आ गए थे संग अरे तो भैया मैं तो इसे लगा गया तो चलो नहीं होता है तो उधर तुम हते नहीं हते थे घर अरे तो हमें वो कछु नहीं सुनने यहाँ हमें पूरी बात को पता चलेगा कैसो कैसो है तुम अपने मुँह से बता तुम्हें अपने वो करने के नहीं जाके रिश्तेदार हमारी बात सुन लो जाके रिश्तेदार राम दिला के लिए इतो छीले जाके जी जाजू अबे तुम्हारी नियत नहीं मानी अरे मैं तो बता भैया अरे हमें नहीं बताओ उन्हें होता ही बैठो तुम पंचे कौन है बक बक लगवाने हाँ बताओ बताओ इतनी न पढ़े तुम्हारी बात इतनी निपटा दो भगवान साग राम दी ले कछु ना पूछो राम दी बता लो इतने छिके से मुई तो समझ जी जाजू मान जाओ तुम आज हल्ली तो कह दो इतने हाथ तुम्हें डांट तो देनी है बहुत राम दी रिश्तेदार तुम्हें डांट लेने ले लो सो बताओ इतने छिके को मुई तो पछता देखो जो आ गई छीरो
ससुराल में आओ के तो कहां जी 80000 लगती दिखता है सैन मंदिर में इतने छिए में दोस्त देखो जो दूसरा छीरो डोर बढ़ जाई पे कौन नंदा फेम गाय पनन्या उठाओ अबे मान जा तुम अबे मान जा अबे 80000 लगी हां ने पे कछु हुए फेने कछ जो बाद में हां भाई हम तय देता 80000 दे दे का कह भाई अबे तो दे नहीं हो का तय देत भज्जे तय देता 80000 दे दे का कह सका भैया अब देखो जल्दी पैसा दे वो हमारे दो फे पैसा दो न पड़ जा तुम जल्दी को कर सब कुने से लिए यार दे 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 वो एटीएम दे दो लो भैया जो है एटीएम देव ना रणदीप पीछे देखो अब जो यार ना टक्कर ई को कोड और पासवर्ड बताओ कैसे भागो वो पासवर्ड दे दे अपना होगा 78 28 चलो निकलो अब जो नहा जा रहा है के नहीं अरे नहा तो हा जा कही जैसो अपन ने बिल्कुल सोचो तू वो सही भाव वो जीजा के लगा दो जीजा को नहीं वही तो फंस गो जीजा अच्छे बेले 1 रुपया नहीं हती सही कही वो गुस्सा होते हैं हमें तुम्हें अब तो जीजा जी अब लौट के भी नहीं आ सकते थे अब कितना दूसरा फसवा उन्हें सा आया जा कही अब बीता पहला अब नहीं जा रही पहले कहा था जीजा जी को एक तो कैसा फसवा अच्छा जाल बनाओ पन्ने ना कपड़ा देखो तो वो बेचारा फंसा दो पैसा ले ले सब बातें तो खेल तो तेंगे जाना पूरो कह के चलो हमने कही थी सो अब चलो करें चलो हेलो तो भैया नमस्कार पहुँचे जय राम जी पहुँचे जय बुंदेलखंड पहुँचे तो भैया कैसे लगो जो वीडियो आपके लाने तो भैया जो वीडियो तो देखो आप मतलब जो ही हो रहा है तो वही के आधार पे बनाओ तो ऐसी ऐसी औरतें होती हैं कि बिना फालतू को फंसवा देती हैं बिना तो भैया देखो आप आनंद लो और भैया इसे अच्छे अच्छे वीडियो और आ रहे हैं तो भैया देखो आनंद लो और भैया जी जी ने सब्सक्राइब नहीं करो चैनल तो चैनल के लाने भैया हर हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लो और बस लाइक करो भैया और भैया कमेंट के रूप में बताइए हमें कि कैसे लगो वीडियो आपके लाने और भैया हम काय के ऊपर वीडियो बना जो भी आप कमेंट में हमें बता सका था तो भैया धन्यवाद जय राम जी जय बुंदेलखंड और भैया ऐसी नए वीडियो देखने के लाने सुनील देवराज चैनल सब्सक्राइब कर लो भैया अच्छे अच्छे वीडियो दे रहे हैं आपको मनोरंजन कर रहे हैं तो यहाँ जोड़ के निवेदन है कि सब्सक्राइब करो भैया तो भैया धन्यवाद जय राम जी जय बुंदेलखंड।